हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी बोलते हैं और प्यार से हम लोग आईटीएफ बुलाएंगे। देखिए, ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा कि क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आया कि यार इसको शुरू कैसे करें। आईटीएफ में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन देखकर हमसे वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बट जरूरी नहीं है कि जो हमने सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है। ऐसा कई बार होगा कि आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, फिर आंसर देखोगे, आंसर मैच नहीं करेगा, एंड देन यू विल बी लाइक कि यार अरे यार ये छोटी सी मिस्टेक होगी। और ये छोटी सी मिस्टेक जो है ना, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू कि व्हाट आर द कॉमन एरियाज जहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा, कैसे उनको अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली बताऊंगा। बस शर्त ये है कि आप हर वो बात को जो मैं बोलूंगा उसको एकदम ध्यान से सुनो। इस चैप्टर में अपार्ट फ्रॉम रिमेम्बरिंग दी फॉर्मूलेज, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो केसेस हैं वो याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। आई विल डेफिनेटली टेल यू कि उनको याद कैसे रखा जाए। और अगर सब बातों का ध्यान रखोगे देन ITF एज पर मी इज द सिंपलेस्ट टॉपिक फॉर JEE। तो ऐसे समझ लो कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो शॉर्ट होने ही हैं एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स किसी भी फंक्शन का एग्जिस्ट तब करता है जब वो फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू हो, दैट इज बाइजेक्शन। इन जनरल जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 1-1 तो नहीं होते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2, तो ये तो मैनी वन फंक्शन हो गया। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन हैं तो वो इन्वर्टिबल नहीं हुए, और अगर वो इन्वर्टिबल हुए ही नहीं तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया ना भाई, पढ़ेंगे क्या। यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि इफ वी रिस्ट्रिक्ट दैट डोमेन एंड कोडोमेन, देन दे कैन बी मेड बाइजेक्शन एंड देयर इनवर्स कैन बी डिफाइंड। तो इन जनरल तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, लेकिन हम उनकी डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, जिन केसेस के बारे में मैंने बात करी थी इंट्रोडक्शन में कि फॉर्मूले के साथ साथ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी ध्यान रखनी है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आर हिडन इन दिस वर्ड रिस्ट्रिक्ट। अब क्या वो रिस्ट्रिक्शंस हैं देखते हैं भाई। देखिए, साइन फंक्शन ये रहा। अब एक इंटरवल हम ऐसा लेते हैं जिसमें ये फंक्शन 1-1 ऑन टू बन जाए। साइन के केस में वी आर टेकिंग फ्रॉम -π/2 टू π/2 बोथ इंक्लूडेड। ये हो गई डोमेन और ये हो गई कोडोमेन, और यही इसकी रेंज है। तो फंक्शन 1-1 है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन है, तो ऑन टू हो गया। अब अगर ये ऑन टू हो गया तो ये इन्वर्टिबल हो गया। अब कोई ये पूछे कि सर -π/2 से π/2 ही क्यों लिया, π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते हैं, उसमें भी तो फंक्शन 1-1 है। बिल्कुल है, बिल्कुल ले सकते हैं, बट डेफिनेटली देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड्स जो पूरी दुनिया में सब लोग फॉलो करें। नहीं तो आप अपने मन से कुछ और आंसर कर रहे हो, कोई कुछ और कर रहा है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, इसकी जो डोमेन है वो इसके इनवर्स की कोडोमेन या रेंज बन जाएगी। कोडोमेन और रेंज इस केस में सेम ही होगी ना भाई, क्योंकि फंक्शन तो ऑन टू है, और जो इसकी रेंज है वो उसकी बन जाएगी डोमेन। तो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन इस तरीके से लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। कई बार पहले भी बोला है, फिर से बोल रहा हूं, इसको 1/sin x मत लिख देना। मीम बना सकते हो, वैसे बहुत कॉमन है, बहुत बार मतलब लाइक बहुत सारे साइंस पेजेस ने ऑलरेडी बना रखे हैं, सो इट विल बी लाइक NOC, है ना। तो अब मत बनाना आउटडेटेड चीज है, बट हाँ
आज से 4-5 साल पहले बहुत सारे मीम्स बने हैं इस पे, तो साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x मत लिखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इस टाइप का नोटेशन भी होता है, आर्क साइन एक्स, है ना, ये आर्क ARC। हम लोग इसको ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट ये आपको देखने को मिल सकता है प्रॉब्लम्स में, तो ध्यान रखिएगा, तब ऐसा नहीं हो कि अरे यार ये क्या लिख दिया। ठीक है भाई, तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि अब जो है इसकी डोमेन बन गई -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, और इसकी रेंज या कोडोमेन एक ही बात है, -π/2 से π/2 बोथ इंक्लूडेड। साइन इनवर्स ऑफ -1 -π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1π/6, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 π/3। देखो हमको साइन π/3 इक्वल टू √3/2 ये तो फटफट याद हो जाता है, उसको उल्टा सोचना कि साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3, ये थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है इनिशियल लेवल पर। और कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 4-5 सेकंड ज्यादा लेते हो कि भाई हम माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं कि अच्छा यार साइन π/3 इक्वल टू √3/2 है, तो साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/3। There is no problem in doing that. Do it. If you are confused during exams, do it. गलत करने से तो far better है कि 4-5 सेकंड अपने ज्यादा खर्च हो जाए। अब inverse function की properties जब हमने पढ़ी थी तो ये बात कही थी कि fx and f inverse x are mirror image about the line y equal to x। तो आपको पता ही है ना मैं क्या बोलने वाला हूँ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका ग्राफ बनाइए। ये जो चीज है ना ये पैरेलल होती है इससे जस्ट, लेकिन वो रुकी जाती है, मतलब इसके आगे ऐसे पैरेलल जाएगी नहीं, है ना, नहीं तो ये फंक्शन ही नहीं होगा भाई। अपने फंक्शन की डेफिनेशन ही यही बोलती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस किसी ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट करे देन इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज फॉर सेम इनपुट वी कैन नॉट हैव मल्टीपल आउटपुट्स। तो ये थोड़ी शक्ल वैसी लग रही है कि ये पैरेलल बन गई है, बट ठीक है, भावनाओं को समझो। जैसे ये यहाँ पर ये ऐसा इधर इसके x एक्सिस के, अब क्योंकि इनवर्स है तो इधर ये y एक्सिस के, समझ में आया। ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग नेचर का है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। इस केस में दिस पॉइंट इज π/2, 1, ये दिस पॉइंट इज 1, π/2। तो अगर मैं 1, π/2 और π/2, 1 का मिड पॉइंट निकालूंगा That will lie on the line y equal to x. यही तो हुआ मिरर इमेज का मतलब। बात समझ में आई क्या? चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर RL आए? जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। साइन इनवर्स के अंदर क्या है? 2x² - 1। अब साइन इनवर्स के अंदर जो चीजें जा सकती है उसकी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, यही साइन इनवर्स की औकात है। -1 ट्रांसफर किया, अब इनइक्वालिटी से हमको पता है कि इसकी वैल्यू आती है -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड। चलिए भाई इनवर्स ऑफ कोसाइन। अब y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ में भी हमको एक इंटरवल ऐसा चाहिए जिसमें अपना फंक्शन 1-1 और ऑन 2 कहा जा सके, तो वहां पर जो स्टैंडर्ड इंटरवल है वो है 0 से π बोथ इंक्लूडेड, और उस इंटरवल में जो रेंज है वो -1 से 1 है, क्लोज्ड ब्रैकेट, ग्राफ से अपने को आराम से दिख जाएगा। तो उसका जो इनवर्स है उसके लिए 0 से π विल बिकम कोडोमेन या रेंज, और डोमेन हो जाएगी -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड। इसी तरीके से बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, भाई साइन इनवर्स एक्स की हमने बात कर ली, उसकी डोमेन देख ली, उसकी कोडोमेन देख ली, कॉस इनवर्स की बात कर ली, उसकी डोमेन -1 से 1 बोथ इंक्लूडेड, उसकी रेंज या कोडोमेन 0 से π बोथ इंक्लूडेड। टेन इनवर्स के केस में डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, रेंज -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, कोसेक इनवर्स के केस में डोमेन -∞ से -1 क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनियन 1 से ∞ 1 पे क्लोज्ड ब्रैकेट, और इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से π/2
एक्सक्लूडिंग जीरो माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू बोथ इंक्लूडेड। सेक इनवर्स के केस में डोमेन वही जो कोसेक इनवर्स की है और इसकी जो रेंज है वो है जीरो से पाए, जीरो और पाई पे क्लोज्ड ब्रैकेट, पाई बाय टू नॉट इंक्लूडेड। कॉड इनवर्स के केस में डोमेन और रियल वैल्यूज, रेंज जीरो से पाए, बोथ एक्सक्लूडेड। अब इंट्रोडक्शन में जिस मिस्टेक के बारे में मैंने कहा है, अगर आप लोग ये रेंज को ध्यान रखो, याद करना है, ध्यान भी रखना है और क्वेश्चंस में इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ये चीज मैंने आज तक कभी किसी और फंक्शन के लिए नहीं बोली है। अगर रेंज को प्रॉपरली ध्यान रखकर क्वेश्चन को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि भाई हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो हमारा आंसर जो है वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में आना चाहिए। उसी तरीके से सबके बारे में ध्यान रखोगे, मिस्टेक नहीं होगी, गारंटी, नहीं तो पूरे पैसे वापस। इसको एकदम बेहतरीन तरीके से बाय हार्ट कर लो, तो 15-20 मिनट के लिए आराम से वीडियो को पॉज करके जो रिमेनिंग 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, भाई साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो जो बचे हुए 5 है उनका ग्राफ बनाइए भाई। चलिए भाई, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉस इनवर्स का ग्राफ, डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाए, तो ये पाए और ये मिनिमम 0 तक के। टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन ब्रैकेट, माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू विल एक्ट एज हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट्स। टेन एक्स के केस में एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय टू वर्टिकल असेम्प्टोट्स होती है, इनवर्स के केस में दे विल बी हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट्स। टेन एक्स के केस में जब एक्स पाई बाय टू को अप्रोच करता है फ्रॉम अ वैल्यू लेसर देन पाई बाय टू, तो टेन एक्स का आउटपुट किसको अप्रोच करता है, इन्फिनिटी को। तो टेन इनवर्स के केस में जब इनपुट प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आउटपुट किसको अप्रोच करेगा, पाई बाय टू को। ये देखो भाई, और वैसे ही माइनस इन्फिनिटी के लिए दिस इज अप्रोचिंग माइनस पाई बाय टू। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है, जीरो से पाए ओपन इंटरवल, तो ये जीरो और पाए दे विल बी हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट्स। कोसेक पाई बाय टू 1 होता है, तो कोसेक इनवर्स 1 दैट विल बी पाई बाय टू, और एक्स जब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कोसेक इनवर्स किसको अप्रोच करेगा, जीरो को फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। वैसे ही कोसेक इनवर्स -1 विल बी माइनस पाई बाय टू, और जब एक्स माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो कोसेक इनवर्स 0 की तरफ जाएगा फ्रॉम द नेगेटिव साइड। सेक इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाए बोथ इंक्लूडेड, पाई बाय टू एक्सक्लूडेड, तो पाई बाय टू यहां पर बन गई हॉरिजॉन्टल असेम्प्टोट। सेक 0 1 होता है, तो सेक इनवर्स 1 0 हो जाएगा। सेक पाए की वैल्यू -1 होती है, तो सेक इनवर्स -1 पाए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ग्राफ को अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहां पर कुछ चीजें अपन ध्यान रखते हैं, जैसे भाई साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई मतलब इंक्रीजिंग। कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है, डिक्रीजिंग। टेन इनवर्स इंक्रीजिंग, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग, कोसेक इनवर्स फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिक्रीजिंग है, फॉर लेस देन इक्वल टू -1 भी डिक्रीजिंग है, बट माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जब देखूं देन इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि अगर एक वैल्यू हमने यहां से ले ली और एक वैल्यू यहां से ले ली, खैर ये मोनोटोनोसिटी चैप्टर में मैं बताऊंगा डिटेल में, तो यू कैन सी दैट कि एक्स भी बढ़ रहा है और फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। सो फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट इज डिक्रीजिंग, फॉर लेस देन इक्वल टू -1 इट इज डिक्रीजिंग, बट ओवरऑल इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और सेम कहानी सेक इनवर्स के साथ, कि फॉर लेस देन इक्वल टू -1 इट इज इंक्रीजिंग, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इट इज इंक्रीजिंग, बट फॉर ओवरऑल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
-1 से 1 के बीच की वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दें तब भी ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज -π/6। साइन -π/6 इज -1/2, तो यहां पर साइन बाहर है, अंदर आ गया π/3 माइनस ऑफ -π/6, तो ये बन गया π/2 साइन π/2, तो 1 होता है, बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, अगर आपका आंसर 5π/4 है तो ये गलत जवाब है। सही आंसर है इसका π/4। देखो भाई, अंदर कुछ भी हो, टेन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट्स, तो 5π/4 तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब इनवर्स फंक्शन की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी तब मैंने लिखा था कि इफ एफ एंड जी आर इनवर्स, फॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स, गॉफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्सेप्ट फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे भाई कि टेन 5π/4 उसकी वैल्यू होती है 1, है कि नहीं भाई? 5π/4 को पाई प्लस π/4 लिख दो, 10π+θ इज सेम एज 10θ, तो 10π/4 हो गया 1। अब 10 इनवर्स 1, और हमें आंसर कहां से कहां तक चाहिए? -π/2 से π/2 तक के ओपन इंटरवल में, क्योंकि 10 इनवर्स की रेंज ही -π/2 से π/2 है, तो ये आ गया π/4। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 1/2 पे ओपन ब्रैकेट, 1 पर क्लोज्ड ब्रैकेट। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, आप चाहो तो ग्राफ से इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और ये मैक्सिमम जाएगा π/2 तक के। अब क्योंकि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आई कैन जस्ट डू दिस, साइन π/6 1/2, साइन π/2 1, ये ग्राफ से भी देख सकते हो। तो हमें चाहिए साइन इनवर्स ग्रेटर देन π/6, मतलब ये ब्लू लाइन से ऊपर। तो x कहां से कहां तक है? 1/2 से लेकर 1 तक के 1/2 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि खुद ये पार्ट भी हमें नहीं चाहिए था। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।